बहुत सारी मदर्स को गिल्ट रहता है कि मैं तो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा ही नहीं पाई। और क्यों नहीं करा पाई? क्योंकि मेरे बेबी ने लैच ही नहीं किया शुरुआत में, और धीरे धीरे मेरे ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई भी कम होती गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे जब मैं मदर बनी थी, कैसे मैंने ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवाई अपने बेबी को। बहुत सारी डिफिकल्टी मैंने भी फेस की स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम मदर बनी थी। मुझे भी ना बेबी को लैच कराना आता था, ना लैचिंग में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो मुझे पता था, कुछ नहीं पता था। लेकिन डॉक्टर्स के कॉन्टिन्यूस सपोर्ट के कारण और नर्स के सपोर्ट के कारण मैंने हार नहीं मानी और अपने बेबी को मैंने लैच कराना शुरू किया। एक दिन प्रॉब्लम हुई, 2 दिन प्रॉब्लम हुई, 3 दिन प्रॉब्लम हुई, लेकिन हार ना मानने के कारण अभी तक मैं अपने बेबी को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही दे रही हूँ। बाहर से मैं उसको कुछ नहीं दे रही हूँ। लेकिन जब मैं ये सब चीज़ें फेस कर रही थी, तो ऑब्वियसली मैंने बात की अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स लोगों से, तो मुझे उन लोगों ने सजेस्ट किया कि ऐसा होता है, पर तुम बाहर से उसको फॉर्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बेबी आपका भूखा रह तो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूंगी, बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे मैंने उसको ओवरकम किया और आपको क्या करना चाहिए। आप अगर पहली बार माँ बनने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आप मदर बन चुके हैं और आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं वीडियो स्टार्ट करूंगी अपनी स्टोरी से। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मदर बनी थी, तो जब मेरे पास बेबी आया, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको विद इन 1 आवर ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करना होगा। अब क्योंकि प्रेगनेंसी के फेस में सारी चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी रहती हैं कि कोई ये चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग में भी प्रॉब्लम होगी। उस टाइम तो मेरे दिमाग में था कि ठीक है, नॉर्मली बेबी ब्रेस्ट फीड तो कर ही लेगा, लेकिन ये कहाँ पता था कि बेबी को लैचिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस टाइम तक मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि मेरा बेबी लैच नहीं कर रहा है। अब वो लैच नहीं करेगा तो उसका पेट कैसे भरेगा, क्योंकि पेट में तो उसको न्यूट्रिशन सारे मिल रहे थे, लेकिन बाहर तो उसको न्यूट्रिशन ब्रेस्ट मिल्क से ही मिलेगा। और मेरे पास नर्स आके बार बार बोले कि अगर आप फीड नहीं कराओगे तो बेबी आपका हाइपो में चला जाएगा। और ये जो हाइपो टर्म है, ये भी मेरे लिए नया था, मुझे नहीं पता था। फिर हाइपो का मतलब ये होता है कि बेबी इसका शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाता है, फिर उनको NICU में हमें शिफ्ट करना पड़ जाता है। तो ये मेरी नर्स ने मुझे बताया कि इसीलिए आपको फीड कराना और ज़रूरी है। तो मैं और डर गई, मेरे ऊपर एक और प्रेशर आ गया। फिर जब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको यूरिन भी पास करना ज़रूरी होता है। अब मेरा बेबी जो था, क्योंकि वो फीड अच्छे से नहीं कर रहा था, तो वो यूरिन भी नहीं पास कर रहा था। ये और एक प्रॉब्लम हो गई थी कि अगर वो यूरिन नहीं पास करेगा तो उसकी बॉडी पीली हो जाएगी, आईज थोड़ी सी येलोइश, पीलापन पूरे शरीर में हो जाएगा और उसको जॉन्डिस भी हो सकती थी। ये प्रेशर मेरे ऊपर और आ गया। तो अब ये था कि मुझे ब्रेस्ट फीड भी कराना है, मिल्क की सप्लाई भी बहुत कम है, और बेबीज को इन सब चीज़ों से बचाना भी है। तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने स्टार्ट किया कि मेरी नर्स ने मुझे हेल्प किया कि आप मिल्क स्क्वीज करें और स्पून में निकाल के बेबी को अपने फीड कराएं। तो वो भी कोशिश किया, बट वो बहुत डिफिकल्ट था कि अब अगर आप फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हो तो वो पेनफुल होगा। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। लेकिन किसी तरह मैंने उसको स्क्वीज करके पिलाया। तो नर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, उन्होंने बाहर से कुछ नहीं देने दिया, मतलब कुछ, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। तो फिर मेरे पास ये था, एनी हाउ मुझे किसी तरीके से ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करनी ही करनी है। फिर मेरा भी सी सेक्शन हुआ था, मेरी बॉडी ऑलरेडी वीक थी, तो अब मैं भी इतना ज़्यादा, क्योंकि स्क्वीज़ करोगे और हेड आपका नीचे रहेगा, आपके हेड पे प्रेशर आता है और ऊपर से आपके सर पे एनेस्थीसिया का भी इफेक्ट रहता है, तो मुझे हेडेक होने लगता था। मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने डिफ़िकल्टी फेस की उस टाइम पे। लेकिन एक चीज़ मैंने डिसाइड करके रखा था कि मुझे बाहर से कुछ नहीं देना है, मुझे अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ही कराना है। फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि ठीक है, क्योंकि अब एक पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने ये सुना था कि ब्रेस्ट पंप तो सिर्फ वर्किंग वुमेन्स के लिए ही होता है, कि अगर आप बच्चा घर पे छोड़ के जा रहे हो तो पंप करके
मिल्क रख दो और आप चले जाओ। लेकिन उस टाइम मैंने फिर डिसीजन लिया कि नहीं, अब ब्रेस्ट पंप से ट्राई करते हैं, ये हमारा लास्ट ट्राई होगा। अगर इससे मिल्क निकला तो फिर बेबी को पिलाएंगे, अदरवाइज फिर डॉक्टर से बात करके इसको फॉर्मूला मिल्क ही देना शुरू करेंगे। और शुरुआत में एक और प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली हम लोगों को पता नहीं होता है। शुरुआत के 2-3 दिन तो काफी गाढ़ा मिल्क आता है, जो कि बेबीज की एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी के लिए होता है बेसिकली, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो ये चीज मुझे नहीं पता था, मुझे लगा नॉर्मल मिल्क आएगा और ज्यादा ज्यादा आएगा। और उस टाइम क्या हुआ, 2-3 दिन मुझे बहुत कम मिल्क आ रहा था, तो मेरे दिमाग में नेचुरली सबके दिमाग में आ जाता है कि मिल्क सप्लाई तो बहुत कम है, बेबीज का पेट नहीं भरेगा, सबके दिमाग में आता है, कोई इसमें नई चीज नहीं थी। तो मेरे भी दिमाग में यही आया कि मेरे बेबी का तो पेट ही नहीं भरेगा क्योंकि बहुत थिक मिल्क आ रहा है। लेकिन डॉक्टर ने आके मुझे बताया, अगर आपको 2 ड्रॉप भी मिल्क आ रहा है ना, तो आप उसको बेबी को पिलाओ, वही बेबी के लिए एक तरीके से रामबाण है, और कुछ भी नहीं पिलाना है आपको। और परेशान तो होना ही नहीं कि बेबी का पेट नहीं भरेगा, क्योंकि बेबी का पेट ही शुरुआत में इतना सा होता है, 2-2 ड्रॉप पी के तो उनका पेट भर जाता है। फिर मुझे ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कराने में वहां की जो दाई माँ थी और नर्स थी, इनफैक्ट नर्स आती थी अपने अपने टाइम में से थोड़ा सा वक्त निकाल के कि मेरे बेबी को पकड़ती थी, और एक तरफ से मैं पकड़ती थी क्योंकि मुझे तो बेबी को पकड़ना भी नहीं आता था, और सी सेक्शन में ऑलरेडी मतलब बॉडी इतनी वीक थी कि मैं पकड़ ही नहीं पा रही थी। तो उन लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया कि मुझे लगा नहीं, अब तो हार नहीं मान सकती मैं। फिर मुझे नर्स ने ही बोला, एक सजेशन दिया कि अगर आप चाहो तो एक बार आप ब्रेस्ट पंप लेके भी ट्राई कर सकते हो। तो फिर मैंने ब्रेस्ट पंप मंगाया, वो भी इलेक्ट्रिक वाला, क्योंकि मैनुअल वाले में क्या होता है कि आपको खुद पंप करना होता है, तो मेरी बॉडी ऑलरेडी इतनी वीक थी कि मैं कैसे पंप करती हूँ, और बेबी को हर 2 आवर्स में फीड कराना था, तो इसीलिए मैंने अपने लिए इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप ही ऑप्ट किया, उसको मंगाया। फिर उससे मैंने अपने बेबी को पंप करके देना स्टार्ट किया, तब मेरे बेबी ने अच्छे से यूरिन पास करना शुरू किया और ब्रेस्ट मिल्क पिया, और फिर धीरे 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 मैंने अपने बेबी को ब्रेस्ट से पंप करके ही पिलाना प्रेफर किया। तो मैं अभी तक अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही पिला रही हूँ, और अभी तक मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क अपना पंप करके ही पिलाती थी। लेकिन बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क पंप करके पिलाओगे या फिर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप यूज करोगे तो ब्रेस्ट आपका खराब हो जाएगा, शेप खराब हो जाएगा, आपकी मिल्क सप्लाई खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। पर ये सब चीजें सरासर झूठ हैं, सरासर गलत हैं, क्योंकि मैं खुद यूज कर रही हूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब तो बातें हो गई कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई थी अपने बेबी को, और कैसे मैंने हार नहीं मानी और बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ही कराई, और आपको क्या-क्या चीजें करनी चाहिए, आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार हार मान जाओगे तो धीरे-धीरे आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई होती है वो डिमांड पे डिपेंड करती है। जितना आपका बेबी सक करेगा या फिर जितना आप पंप करोगे, उतना ही ब्रेस्ट मिल्क आपका बनेगा। ब्रेस्ट पंप यूज करने के और भी फायदे हैं। पहला तो ये कि आप जितना पंप करोगे उतना ही आपका मिल्क प्रोडक्शन होगा, उतनी ही आपकी सप्लाई अच्छी रहेगी, और आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा चीज क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे छोटा बच्चा है, अभी तो इसका जन्म हुआ है, ये कैसे काट सकता है। लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मेरा बेबी काटने लगता था। अब वो काटता था कि क्या था, पर मुझे काफी पेन होता था। इनफैक्ट मुझे स्टार्टिंग में हल्का हल्का ब्लड भी आने लगा था, तो मैं काफी डर गई थी कि भाई मैं कैसे इसको ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू कर पाऊंगी, क्योंकि ये इतना काट लेता था कि दोबारा ऐसा आप उसको लगा नहीं सकते हो अपने आप से। फिर जब मैंने अपने लिए ब्रेस्ट पंप यूज करना शुरू हुआ, तो मैं क्या करती थी, हर 2-2 घंटे पे या फिर हर 3-3 घंटे पे पंप करके रख देती थी, बेबी डायरेक्ट उससे पी लेता था। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके आसपास ये भी बोलेंगे कि आप बॉटल फीड कराओगे तो बेबी तो आपसे लैच ही नहीं कर पाएगा।
फिर बॉटल की आदत लग जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये सब मिथ है। मेरे बेबी को अब क्या है, वो डायरेक्ट ही पीता है, वो बॉटल से, क्योंकि मैंने बीच में थोड़े दिन बंद कर दिया था तो उसने बॉटल से पीना ही बंद कर दिया। और ब्रेस्ट पंप का ये भी फायदा है कि अगर आपको कहीं जाना है, जैसे कि मुझे हॉस्पिटल वगैरह जाना था, ज्यादा देर के लिए नहीं, 2-3 घंटे के लिए अगर जाना है, तो मैं क्या करती थी, अपने साथ मिल्क पंप करके लेके जाती थी, और बेबी को अगर भूख लगी है तो वो उस टाइम पी लेता था। तो मेरे लिए ये सही रहता था, क्योंकि मुझे अपना चेकअप भी करवाना था, बेबी का भी चेकअप करवाना हो तो हो सकता था कभी मेरे में टाइम लग जाए तो मैं अवेलेबल ना रहूं। तो मेरे हस्बैंड उसको क्या करते थे, मेरे बेबी को फीड करा देते थे। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम होता था कि मेरा बेबी भूखा भी नहीं रहता था और उसको ब्रेस्ट मिल्क भी मिल जाता था। तो ये सारी फायदे हो गए ब्रेस्ट पंप के। तो मैं जो पर्सनली ब्रेस्ट पंप यूज करती हूँ वो है बेबी हग का इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। उसको कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे असेंबल करते हैं, उसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और एक और बात, यहाँ पर जो भी मैं रिव्यू आपको दे रही हूँ या फिर जो भी प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ, वो मैंने पर्सनली यूज किए हैं और मेरे काम के हैं, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि नई मदर्स जो होती हैं उनको बहुत चीजें नहीं पता होती हैं, और हमारे जो एल्डर्स होते हैं, हो सकता है उन लोगों ने ये चीज़ ना यूज़ की हो, इस वजह से वो आपको ना बता पा रहे हो। तो मैंने जो यूज़ किया, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे क्या लगता है कि जो बहुत सारी मदर्स होती हैं वो हार मान लेती हैं, और हार मानने की वजह से वो सीधे सीधे बाहर के दूध पे या फिर फॉर्मूला मिल्क पे डिपेंड हो जाती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि उनके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई खत्म हो जाती है, तो वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं। तो उनको अंदर ही अंदर गिल्ट रह जाता है कि मेरे बेबी ने तो ब्रेस्ट फीड किया ही नहीं, अब उसकी ग्रोथ कैसी होगी, उसके अंदर इम्यूनिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग में होती हैं। और मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी फ्रेंड्स जो अभी अभी मदर बनी हैं और उनके सजेशंस भी सुने, उनको अपने ऊपर अप्लाई भी करने की कोशिश की, उनमें से क्या मैंने अपने एक्सपीरियंस से गलत प्रूव किया, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। और ब्रेस्ट मिल्क जितना आपके बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ही आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप जितना बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएंगे, आपकी उतनी कैलोरीज बर्न होंगी। और प्रेगनेंसी में सभी लोग वेट गेन कर लेते हैं, मैंने भी वेट गेन किया था, करीबन 20 किलो मैंने वजन अपनी प्रेगनेंसी में गेन किया था। और विद इन 3 मंथ्स, डिलीवरी के बाद 3 मंथ्स में मैंने अपना पूरा वेट कम किया, ना मैं जिम गई, ना मैंने कोई डाइटिंग की, और कॉन्टिन्यूसली मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती रही, मैंने कोई बाहर की चीज़ अपने बच्चे को नहीं दी। ये है मेरा 4 मंथ का बेबी जिसको मैंने स्टार्टिंग से ही ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाया है, और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और ये एक्टिव भी है। इसके सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके वहां पे देख भी सकते हैं। इसकी ब्रेस्ट फीडिंग को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए मैंने अपना वेट भी कम किया, और मेरे लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत फायदेमंद रही है। तो इसीलिए मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि बिल्कुल भी हार नहीं मानना है आपको, कोशिश करते रहिए। अगर आपको, आपने सारी कोशिश कर ली है फिर भी आपकी मिल्क सप्लाई कम है या फिर बेबी के लिए सफिशिएंट नहीं है मिल्क, तब आप डॉक्टर की सलाह पे बाहर से दूध दे सकते हैं। अदरवाइज आप अपना ही मिल्क अपने बच्चे को पिलाएं, जो कि बहुत फायदेमंद है बेबी के लिए। प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस और प्रेगनेंसी के बाद आपको अपना वेट कैसे कम करना है बिना डाइटिंग, बिना जिम के, और बेबी की एक्टिविटीज से रिलेटेड सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहूंगी।